मिश्रा जी आ गए, उन्होंने कहा इनको भगाओ, ये तो ताकत बढ़ा रहे बहन जी, ये तो प्रधानमंत्री बन जाएगी है दलित महिला। तो इन्होंने कहा बस पैर दबाते रहो, पैर दबाते दबाते एक दिन बहन जी का गला भी दबा देंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, मायावती जी ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो स्वार्थी नेता है वो पार्टी को छोड़कर चले जाएं, और इस समय सतीश मिश्रा जी को लेकर आवाज़ बुलंद हो रही, सतीश मिश्रा को हटाने की मांग हो रही है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बहुजन क्रांतिकारी फौजी नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नंदा भाई स्वागत आपका। बहुजनों के लिए आप हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं, बहन जी ने बयान दिया कि स्वार्थी नेता पार्टी छोड़ दें, क्या कहेंगे? बिल्कुल छोड़ने चाहिए भाई, सबसे बगल में तो उनके वैली बैठा है। कौन? आरएसएस का आदमी सतीश मिश्रा। भाई इसको, सतीश मिश्रा को पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल देना चाहिए बिल्कुल, और ये निकलते ही एकदम बहुजन समाज पार्टी एकदम सही हो जाएगी। और बहुजन समाज पार्टी का जो लगातार ग्राफ गिर रहा है वो कहीं ना कहीं इनके मिश्रा जी की वजह से गिर रहा है, बार बार कह रहा हूँ मैं। और बहुजन समाज के लोग भी जान रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता भी जान रहा है, क्योंकि बहन जी से सीधी मुलाकात नहीं हो पाती, क्योंकि ये बीच में बैठ जाते हैं गणेश परिक्रमा लेके, और ये कहीं ना कहीं द्वार पे बैठे होते हैं, बहन जी से मिलने नहीं देते, और खुद अपने आप में सर्वोसर्वा बने हुए हैं। और कोई कितना भी पुराना इनका नेता जाए बहुजन समाज पार्टी, यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं लोग। और बड़े बड़े स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे भागे, क्यों भागे? और बहुत सारे पिछड़े समाज के नेता भागे, दलितों के नेता भाग गए, आप दलितों के भी तो क्या इसके पीछे मौर्य जी मिश्रा जी जिम्मेदार हैं? हाँ बिल्कुल भाई, मिश्रा जी अब ये आरएसएस के आदमी है यार, ये आपने बड़ा आरोप लगाया आरएसएस के। आरएसएस क्या क्या सबूत है आपके पास? अरे सबूत ये दिख रहा है, वैसे ही उनकी मानसिकता दिख रही है, आरएसएस की विचारधारा ले आई है। आरएसएस की भाई दलित ब्राह्मण सम्मेलन कराया इन्होंने, उसमें नारे लगे नहीं, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगे। हाँ उसमें लगे थे भाई, देखो, और सारी मेनस्ट्रीम मीडिया ने दिखाया था वो दलित ब्राह्मण सम्मेलन, समझे नहीं? तो आरएसएस की विचारधारा लेके आए उसमें। बहुजन समाज पार्टी में जब तक मिश्रा जी नहीं जाएंगे तब तक मुझे लगता है कि ये बहुजन समाज पार्टी पनप नहीं सकती। एक ऐसा लग गया जब बहुजन समाज पार्टी में कोई किसी तरीके की बीमारी पैदा हो गई हो, जैसे एक फसल में कोई कीड़ा लग जाता है ना, उसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी में भी मिश्रा जी किसी विशेष तरीके के वायरस की तरह काम कर रहे हैं, और जो मतलब कि आरएसएस के छोड़े हुए व्यक्ति हैं ये नहीं चाहते। क्या बहन जी की आंखों ऊपर पट्टी बंधी आप ये कह रहे हैं? ये तो आप जाने पट्टी बंधी है, क्या पट्टा बंधा है, ये तो उन्हें देखना चाहिए बहन जी को। और बहन जी जान भी रही हूँ तो कहीं ना कहीं कैप्चर हो चुकी हैं, वो कहीं ना कहीं हाउस अरेस्ट हो गई हैं बहन जी। और हाउस अरेस्ट का मतलब यही है कि भाई वो अपने मन से तो बोलती नहीं है, हो सकता है ट्वीट भी कोई हो दूसरा ही कर देता हो, और मिश्रा जी ही ट्वीट कर देते हो, क्योंकि अहम जो मुद्दे हैं जहाँ बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, दलितों की बच्चियों को लटका दिया जाता है मार के, वहाँ कहीं भी ये ऊपर नहीं आने दे रहे। और चाहे ये जो आंदोलन हुआ जो वर्गीकरण का, इसमें बहन जी बाहर आ सकती थी तो मुझे लगता मामला कुछ और होता, मगर उसमें भी नहीं आने दिया। आप ये कह रहे हैं कि जो भारत बंद हुआ 21 अगस्त को, उसमें बहन जी को सड़क पर उतरना चाहिए था? बिल्कुल उतरना चाहिए था, उतरना चाहती थी वो चाहती, मतलब कहीं ना कहीं तो फंसा रखा है, एडवोकेट है भाई इनकी पार्टी का ये आदमी, और एडवोकेट है तो कहीं ना कहीं बहन जी को मुझे लग रखा है किसी चीज़ों में साइन वाइन करा ली हो, और किसी दबाव की स्थिति में आ गई हो, या डर ऐसा पैदा कर दिया हो कि आप आजीवन जेल में रहेंगी, ऐसा कुछ डरा दिया हो, क्योंकि डराने में तो माहिर है। अरे जब ये ऊत बूत, अरे अब तक ऐसा होता तो बीजेपी ने पार्टी तोड़ दिया होता, जैसे अजीत पवार चले गए और ये शिंदे चले गए, पार्टी को खंड खंड कर देती बीजेपी। नहीं, तोड़ना एक अलग चीज होता है, बिल्कुल ध्वस्त नेस्तनाबूत करना जड़ समेत, उसके लिए छोड़ रखा है ना, अब तोड़ना दरवाज़ा तोड़ दो, कुछ तोड़ दो तो खिड़की बन जाएगी है, मगर दीमक लग जाए पूरी लकड़ी में तो फिर क्या बनेगा ये बताओ, कुछ भी नहीं बचेगा, तो साफ ही हो जाएगी। 27 में सरकार बनाने की तैयारी है? कोई तैयारी नहीं है, बीमारी समझ रख के मुझे अगर इसको देखे, अगर मिश्रा जी रहते हैं और ये सोच रहे हैं कि 27 में तैयारी है, तो इसको मैं मानसिक बीमारी कह सकता हूँ कि किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। सर्वजन को बहुजन हिताय कर दिया गया, और कहीं नहीं यार, तो आप देख ही रहे हो, कोई भाई इनको निकालो ना पार्टी से, बहुत सारे लोग आ जाएंगे पार्टी में, और बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता दुखी हैं जो पार्टी के अंदर हैं, तो बाहर वाले तो जब आएंगे, जब ये मिश्रा जी हटें, जब मिश्रा जी ने तो कुंडली मार रखी है, कोई आएगा उसे बस मिलने नहीं देंगे बहन जी से। नंदा भाई आप जो कह रहे हैं, क्या उसका कोई लक्षण दिख रहा है आपको, कोई सबूत है? लोग कहेंगे आप झूठे खामखा मिश्रा जी के पीछे पड़ गए। यार पीछे पड़ने तो मेरे बात तर्क है कि जब से मिश्रा जी आए तब से ये निरंतर पार्टी गिरती जा रही है। दूसरे इनके कार्यकर्ताओं का कहना, भाई पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का कहना,
कि मिश्रा जी बहन जी से हमारा साक्षात्कार होने नहीं देते, बातचीत होने नहीं देते। और गरीब मतलब गरीब कार्यकर्ता तो कोई मिल नहीं पाता, पहले झलक भी पा लेता था, कहीं भाई बहन जी बाद में आके रैलियाँ कर देती थी या कार्यक्रम को लेकर उतर जाती थी तो लोग देख लेते थे बहन जी को। अब तो देखना भी दुश्वार हो गया, लोग वहाँ पुरानी वीडियो देखते रहते हैं बहन जी की, पुराने जो भाषण हैं वो उन्हीं को सुनते रहते हैं, मगर बहन जी नहीं दिखाई दे रही। उन्हें लगता है बहन जी ठीक हैं, सही सलामत हैं या नहीं है उन्हें भी नहीं, मैं बता दूं बहन जी ठीक हैं, हरियाणा में रैली भी होने जा रही है। रैली हो रही है, वो रैली कौन लिख रहा है उसको, उसकी पटकथा कौन लिख रहा है? चुनाव के टाइम ही अगर रैली हो रही है तो इसका मतलब है बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने का कार्यक्रम चल रहा है, और बहुत ज़्यादा हद तक बहुजन समाज पार्टी को ये आघात पहुँचा चुके हैं। और ऐसे लोगों का सफाया होना, मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई इसको निकालो। तो बहन जी ने तो संकेत दे ही दिया कि ऐसे स्वार्थी नेता पार्टी छोड़ दें, अपने आप थोड़ी छोड़ के चले जाएंगे, आप नहीं करेंगे ना, वो तो बैठे हैं, गलत पार्टी नहीं छोड़ेंगे, बहन जी को छुड़वा देंगे। अच्छा जी, हाँ पार्टी छुड़वा देंगे या पार्टी नहीं छुड़वा देंगे, बिल्कुल नेस्तनाबूत कर देंगे इस पार्टी को। ये तो भाई घुस के बैठ गए हैं, हाँ ये जब तक इसको ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक थोड़ी हटेंगे। और इनको तो इसीलिए लगाया भाई, RSS है, राष्ट्रीय शोषण संघ, समझे नहीं, ये कभी नहीं चाहती है, आदमी को ऐसे लगा देती है, ऐसे लगता है जैसे भक्त। चार चार बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं बहन जी, और चार चार बन चुकी है तो अब खाब काय के लें, हम काय के खाब लें? जब तक मैं कह रहा हूँ मिश्रा जी जब तक बैठे रहेंगे या हवन कुंड करते रहेंगे हैं, ये करते रहेंगे आहुति डाल, अब तो पूरा बहुजन बन चुके हैं, कई बहुजन नहीं है, बहुजन कभी नहीं बन सकते, ये ध्यान लिखिए। मान्यवर जी कांशीराम जी के विचारों से उत्प्रोत है, RSS का आदमी कभी भी नहीं बन सकता बहुजन, और कभी भी समाज के लिए वो अच्छा और बेहतर नहीं सोच सकता, समझे, मुंह से बोल सकता। आपकी ये विचारधारा कैसे बनी भाई? हमारी विचारधारा तो शुरू से है, हम लोग तो बिल्कुल तार्किक, और हम जानते हैं कि हम तो देश के मूल निवासी हैं भाई, मूल निवासी तो जानते हैं। अब जो मूल निवासी जो इस देश का ही नहीं, उसके देश के लिए क्या दिल धड़केगा है? तो हम तो मूल निवासी हैं, भारत के वासी हैं, भारत के मालिक हैं, है जो विदेशी मानसिकता के लोग हैं वो कैसे भारत के लोगों को स्वीकार करेंगे? उन्हें क्या फर्क पड़ता है इस देश के लोग बिके हैं संपदा? ये कह रहे हैं कि बहन जी ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली मिश्रा जी को रखकर, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कुल्हाड़ी तो मार दी, अब तो गर्दन भी काटने के चक्कर में, अगर बहन जी नहीं समझी तो मुझे लगता है स्थिति खराब हो जाएगी। और बहुजन समाज पार्टी जो है निरंतर बढ़ती जा रही थी कि ब्राह्मण समाज पार्टी हो रही है, ये ब्राह्मण समाज पार्टी हो जाएगी और एक अकेला व्यक्ति रह जाएगा इस पार्टी में, भी कोई नहीं रहेगा, समझे ना। वो जितने भी जो बनाए हैं अड्डे बहन जी ने अपनी मेहनत से या बहुजन समाज ने मेहनत से, उन सब पे काबिज हो जाएंगे ट्रस्ट के माध्यम से, मिश्रा जी बैठे रहेंगे। नाम के लिए आप जाओगे और वहाँ संग्रहालय बना दिए जाएंगे, जाओगे पैसे दोगे आप, दक्षिणा चढ़ाओगे बहन जी के नाम पे, मान्यवर काशीराम के, मगर वो जितने संग्रहालय हैं उसके मुख्य कर्ता धर्ता मिश्रा जी होंगे। उन्हें लगेगा लाखों रुपये तो ये दे रहा है बहुजन समाज रोजी है, तो उसे जरूरत क्या है? अच्छा मौर्या जी, स्वामी मौर्या जी को लेकर खबर है कि वो भी संपर्क में चल रहे हैं? देखिए वो तो आएंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो उनकी भी राजनीति हाशिए पे, उन्हें जरूरत है भाई, अगर बहुजन समाज पार्टी को भी जरूरत है और उन्हें उनसे भी ज़्यादा जरूरत है। अगर मौर्या जी आ जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, तो मुझे लगता है उनका भविष्य जो लड़खड़ाया हुआ है, जो उनकी राजनीतिक जो नैया जो हिल रही है और डुबडुबा रही है, वो ठीक हो जाएगी अगर बहुजन समाज पार्टी में आ जाओगे। तो बहन जी लेंगी अगर वो आएंगे इधर, तो क्या बहन जी एक्सेप्ट करेंगी उनको दोबारा? बहन जी क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगी, बहन जी को क्या दिक्कत है? बहन जी तो कहेंगी भाई विचारधारा का आदमी है हमारी, कहीं भटक गया तो वो, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, इनसे तो पार्टी बढ़नी है स्वामी प्रसाद मौर्या से, मैं जिससे घट रही है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर बहन जी वहाँ ध्यान दे लें तो निश्चित रूप से बहन जी के जो सपने हैं या बहुजन समाज के जो सपने हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं, तो उसको सोच सकते हैं लोग और यहाँ के, हाँ बहन जी उस जगह पहुँच सकती हैं अगर मिश्रा जी जाते हैं तो। मैं बता दूं कि अभी तक किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही किसी नेता ने अभी तक कोई पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। हालांकि बहन जी ने कहा था कि तुम लोग पार्टी छोड़ो क्योंकि पार्टी को तुम लोग ख़त्म कर रहे हो। हाँ तो पार्टी को क्यों छोड़ें? आप बहन जी ने जैसे एक मिनट में तो उसको कह दिया था आकाश आनंद को तुरंत बनाने के, फिर कहते नहीं सब कुछ मैं ही हूँ, तो मिश्रा जी को भी कह दो कि भाई चलो रास्ता निकालो, अभी तुम इस लायक नहीं हो, भागो, मैं ही हूँ या दूसरों को बना, चाल नहीं आ जाएगा अगर ऐसा बोल। भाई मिश्रा जी की जगह आप आकाश आनंद को साथ में रख लो, हाँ बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। और बहुत सारे बहुजन समाज के नेता, बहुत सारे बहुजन समाज में एक से एक टॉप वकील हैं, वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, अधिवक्ता हैं, हैं उनको ले लो भाई, वो आपका सब कुछ देखते रहेंगे, कौन आपका क्या बिगाड़ लेगा है? मगर आपको विश्वास ही नहीं है अपने लोगों पे, तो जब अपने लोगों पे विश्वास नहीं तो आपके ऊपर लोग कैसे विश्वास करेंगे? जब आप मिश्रा जी को बैठा के रखोगी तो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ है,
कि अपने लोगों पर भी विश्वास करना सीखो, और अपने लोगों पर विश्वास करोगे तो भाई कल कोई दिक्कत होगी। आज अगर इकट्ठे भी लोग होते हैं तो आपके अपने लोग उठे होते हैं, मिश्रा जी के लोग इकट्ठे नहीं होते। मिश्रा जी के तो एक रैली भी करा के दिखा दो, मान जाऊँ मैं, कहीं भी दिखा दे, इनके समाज का आदमी है, कहते कि हमारे समाज की मीटिंग हो रही है, रैली है, वहाँ कितने रैली करके दिखा दे। नंदा भाई, एक बात कहूँगा आपसे कि बीबीसी की रिपोर्ट आई, इसमें कहा गया कि 2007 में जो पूर्ण बहुत मिला उसमें जो मिश्रा जी हैं उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। अरे कोई भूमिका नहीं थी, सब दलित ओबीसी इनका वोट था और मुसलमानों का वोट था, और उनको ही हाशिए पे ला के रख दिया इन्होंने अंदर घुस के। इनके लिए भाई ये तो बहन जी मजबूत हो जा रही है बहुजन समाज पार्टी, अब तुरंत इनकी मेन मिस्ट्री मीडिया सब सब ने दिमाग में डाल दिया कि ये मिश्रा जी आए, इन्होंने जिता दिया। इन्होंने नहीं जिताया, मुसलमानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, सब ने वोट दिया। अब उनको जिन्होंने वोट दिया उनकी जो है ना देखने वाला कोई नहीं, उनकी परवाह नहीं करी। मिश्रा जी आ गए, उन्होंने कहा इनको भगाओ, ये तो ताकत बढ़ा रहे बहन जी, ये तो प्रधानमंत्री बन जाएगी है दलित महिला, तो इन्होंने कहा बस पैर दबाते रहो, पैर दबाते दबाते एक दिन बहन जी का गला भी दबा देंगे। इस मानसिकता के होते हैं आरएसएस के लोग, ये ध्यान रखना। मिश्रा जी आरएसएस में कहाँ गए, कभी कोई हिस्ट्री नहीं मिली। मनुवादियों की सोच ही अलग है, मनुवादी जो लोग इन्हें बगल में बैठाना पसंद नहीं करते वो इन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये सोचने का विषय है तो ये इतना सोच रहे हैं, और मुझे लगता है दर्शक भी इन चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये घाटा जो हुआ है बहुजन समाज पार्टी का, ये सिर्फ इसका तो आपने जो डिमांड की है यहाँ से तमाम लोगों को, क्या बहन जी आपकी डिमांड पूरी करेंगी कि मिश्रा जी को क्या हटाएंगी, लगता है आपको? देखिए हटाएंगे नहीं, तो अब उन्होंने कहा कि हट जाएं, तो मुझे लगता है मिश्रा जी को भी सोचना चाहिए कि भाई इतने सारे लोग जब बहुजन समाज के चाहते हैं तो भाई इस्तीफा दें, अपने घर बैठ जाएं, उन्हें क्या इंटरेस्ट है इतना जलील होने में कि पूरे बहुजन समाज के लोग या हम जैसे लोग हैं उनको आरोपी कह रहे हैं कि भाई जब से वो आए हैं पार्टी का जनाधार गिरता जा रहा, सब कुछ गिरता जा रहा, तो उन्हें लगता है कि मेरे जाने से दिक्कत है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, घर बैठे आराम से है, आपके में जब इतनी क्वालिटी है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर नहीं, उनका मकसद ये है जो बहन जी का बनाया हुआ जो साम्राज्य है उस पर रहना है उनके बाद आराम से, और बहुजन समाज को सिर्फ दर्शन के लिए जगह छोड़नी है और वहाँ अपने मंदिर बना लेना है एक बहन जी के नाम का, दक्षिणा चढ़ती रहेगी, ये लेते रहेंगे ट्रस्ट बना के, आनंद ही आनंद, परम आनंद। एक और बहुजन समाज का वो हो जाएगा तीर्थ स्थल, जब ये बना देंगे संग्रहालय बहन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नरेंद्र भाई नंदा राजपूत हैं, अपनी राय दे रहे हैं, खासतौर से मिश्रा जी को कह रहे हैं कि आप अब पार्टी से अलग हो जाओ भैया, कितने जलील हो गए, क्योंकि आपके खिलाफ लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, बहुजन आपको पसंद नहीं कर रहा, ये विचार है नंदा भाई के। नंदा भाई के विचारों से आप सहमत हैं असहमत हैं, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।